मैं डॉक्टर मनीष पांडे, सीनियर कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, एक्शन कैंसर हॉस्पिटल। आज आपको विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर रेडिएशन के बारे में जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उनके विषय में जानकारी देता हूँ। सबसे पहली बात तो है कि रेडिएशन एक कैंसर की चिकित्सा विधा है, जैसे सर्जरी और कीमोथेरेपी होती है। कई बार कुछ कैंसर्स के इलाज में तीनों विधाओं का प्रयोग होता है और कई बार तो केवल रेडियोथेरेपी के द्वारा ही कई कैंसरों को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। रेडिएशन का उपयोग इसलिए भी होता है कि अगर सर्जरी के बाद और कीमोथेरेपी के बाद ये दोबारा से न फैले या कहीं और न फैले, इसलिए भी रेडियोथेरेपी दी जाती है। रेडियोथेरेपी एक बिल्कुल पेनलेस ट्रीटमेंट है। इसको देते समय कोई पेन नहीं होता और ये 2 से 5 मिनट में समाप्त हो जाती है, लेकिन सामान्यतः 5 से 7 सप्ताह तक चलती है। रेडिएशन द्वारा किसी सेल को जलाया नहीं जाता, अपितु जो कैंसर सेल्स होती हैं उनको एक बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। रेडिएशन के कॉम्प्लिकेशन या रेडिएशन के दुष्परिणाम वहीं होते हैं जहां पर रेडिएशन दिया जाता है। जो अधिकतम टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे IMRT और IGRT, इनके द्वारा केवल कैंसर सेल्स को नष्ट किया जाता है और जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उनका नुकसान नहीं होता। जब व्यक्ति रेडिएशन करके बाहर निकलता है तो उसका कोई भी दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव उसके शरीर पर नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति उसके साथ उठ बैठ सकता है, खाना खा सकता है, उसके कपड़े बिस्तर शेयर कर सकता है, उस पर रेडिएशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए रेडिएशन एक उपयुक्त कैंसर की चिकित्सा विधि है। इसका उपयोग करते समय किसी तरीके का डर या हिचकिचाना नहीं चाहिए।